हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो अभी 10:30 हो रहा है और आज मैं चिप्स बनाई हूँ आलू का। देख लीजिए, ये चिप्स है। रात में ही मैं इसको लाई थी आलू को सोम बाज़ार से, और काट के पानी में डाल दी थी। सुबह 7 बजे उठी हूँ, उठ के मैं इसको बॉयल की हूँ और नहा धो के अब मैं ये सुखाने, क्योंकि अभी छत पे मेरी धूप आई नहीं है। तो मैं सोची कि जब तक धूप नहीं आई है तब तक बैठ के मैं इसको फैला देती हूँ पहले, क्योंकि धूप में मेरे से बैठा नहीं जाएगा और फिर धूप भी जल्दी निकल जाएगी। इस वजह से मैं इसको फैला रही हूँ यहाँ पे। और बहुत दिनों से मेरा मन था कि चिप्स बनाऊँ। पापड़ तो रेडीमेड में ख़रीद के ले आती हूँ, लेकिन चिप्स दुकान का अच्छा नहीं होता है। एक बार लाई थी मैं तो बिना नमक का था, तो बेकार टेस्ट लगा। इस वजह से मैं सोची कि अब खुद से ही बना लूँ। क्या है, 25 रुपये किलो आलू दिया, 5 किलो आलू ले आई हूँ। 2.5 किलो का रात में बन काटी थी, 2.5 किलो दूसरे दिन किसी दिन और करूँगी, क्योंकि छत पे मेरी छोटी जगह है, देख लीजिए। और धूप भी नहीं आती, मात्र 2 घंटे कि धूप आती है छत पे। आके दीवार पे तो आ चुकी है धूप, देखिए इस साइड से, किनारे किनारे से, लेकिन फर्श पे धूप अभी नहीं आई है। तो मैं सोची कि तब तक मैं अपना काम कर लूँ, इसको सुखा लूँ। मैं पहले भी अपनी माँ से बोली थी पिछले साल कि चिप्स बना देना, लेकिन नहीं आया वहाँ से। नहीं आया तो कोई बात नहीं है, माँ बोली तबीयत ख़राब है, मेरे से नहीं होगा, अकेले में नहीं कर पाऊँगी। तो मैं बोली चल कोई बात नहीं है, अब नहीं भेजी तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ अपने आप से जैसे भी होता है कर रही हूँ और करूँगी जितना हो सकता है, क्योंकि इंसान को अपना भरोसा करना चाहिए। बस यह है कि शुरू में माँ को देखती थी करते हुए, माँ के हेल्प करती थी साथ में सुखाने में, आज खुद से भी कर रही हूँ। तो काम तो कोई भी इंसान जब चाह ले तो कर ही लेता है, ऐसे तो मेरी तबीयत ख़राब रहती है। कल भी मैं आई हूँ हिंदूराव से, दिखाने गई थी दिमाग में जो सूजन है, डॉक्टर बोला है फिर 2 महीने दवाई खाओ। मैं पूछी भी कि कब तक मतलब दवाई खानी पड़ेगी, लेकिन डॉक्टर बोला कि जब तक दर्द सही नहीं होगा तब तक दवाई खाते रहो। अब क्या करूँ, समझ नहीं कुछ आता है। 600 की दवाई कल 15 दिन का हो गया ले आई हूँ, दवाई खा खा के चल रही हूँ, लेकिन काम तो करना ही है। बस वही सुहानी नीचे सब्जी उब्जी काट रही है और मैं यहाँ अपना पापड़ सुखाने दे रही हूँ। आलू की चिप्स घर की बनी हुई रहेगी तो टेस्टी भी लगेगी, क्योंकि इसमें नमक डला है। अब कितना नमक पड़ा है वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा। थोड़ा भी नमक होना तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी ऊपर से डाल के मिर्च के साथ इसको, नमक मिर्च डाल के अच्छी तरह से मैं खाती हूँ उसको चटपटा बना के। मुझे चटपटा खाना बहुत पसंद है। डॉक्टर कहता है मत खाओ तेल मसाले, सब कोई मना करते हैं, लेकिन मुझे बचपन से खाने की आदत है ना, तो कितने भी कंट्रोल करते हो तो हो नहीं पाता है। तो थोड़ी सी चिप्स मैं बना ली हूँ, अब इसको देखिए ऐसे फैला रही हूँ चिप्स को। अभी तो ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन सूखने के बाद थोड़ी सी हो जाएगी। चलो जितना भी हो दुकान से तो अच्छा ही होगा, क्योंकि दुकान में 50 का पाव दिया भी था और बढ़िया था भी नहीं। और फ्रेंड, वीडियो को जितना मेरा हो सके, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे कि वीडियो बनाने में मुझे हौसला मिले, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं होता है, व्यू नहीं आता है ना, तो फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता। 7 महीना होने वाला है, अभी तक में मेरा 266 सब्सक्राइबर हुए, आज देखिए तो 266 है।
देखिए कब तक आप सबका सपोर्ट प्यार रहेगा तो बढ़ेगा ही। जितने भी लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, सब लोग मेरे चैनल को आप सब सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा कोई मतलब ऐसा ब्लॉग है नहीं, बस घर का ही जो भी होता है, कभी शॉर्ट बना देती हूँ वीडियो, कभी काम का जो भी घर का खाना पीना बनाती हूँ उसी को दिखाती हूँ। मेरी जो भी दिनचर्या है आप सब लोगों तक पहुँचाती हूँ, शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड देख लीजिए मेरा पापड़, ये मैं भी सुखाने को यहाँ पे इतना बचा हुआ है, मैं धीरे धीरे करके फैला रही हूँ इसको। और आप सब लोग जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए प्यारा प्यारा सा, जिससे कि मुझे वीडियो बनाने में हौसला मिले। मेरा इंस्टाग्राम पे भी चैनल है तुलसी देवी के नाम से, और फेसबुक पे भी है। तो आप सब लोग मेरे फेसबुक पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोग की दुआ सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। तो ठीक है दोस्तों, फिर से आपसे एक न्यू वीडियो में मिलती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जो जो न्यू देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। बाय।